हेलो एवरीवन, मेरे किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फेस्टिवल सीजन स्टार्ट हो गया है और साथ ही शुरू हो गया है मिठाइयाँ खाने खिलाने का सिलसिला। करवा चौथ बिल्कुल पास है और दिवाली भी कोई दूर नहीं, तो क्यों नहीं इस फेस्टिवल सीजन में अपने घर में खुद ही मिठाई बनाई जाए। आज जो मैं मिठाई की रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो आपको बहुत पसंद आने वाली है। मैं बनाने वाली हूँ चॉकलेटी पेड़े। चॉकलेटी मिठाइयाँ बच्चे और बड़े सबको पसंद होती हैं, तो चलिए देर ना करते हुए बनाना शुरू करते हैं चॉकलेटी पेड़े। पेड़े बनाने के लिए हमने पार्ले जी के 2 बिस्किट के पैकेट ले लिए हैं। ये बिस्किट 5-5 रुपए वाले हैं। चलिए तो हम इन बिस्किटों के पैकेट को खोलकर मिक्सर जार में डाल लेते हैं। देखिए गाइज, हमने सारे बिस्कुटों को मिक्सर जार में डाल लिया है। अब हम इनके छोटे छोटे टुकड़े कर देंगे ताकि मिक्सर जार में ये आसानी से पिस जाए। अब हम इनको बारीक पीस लेंगे। बिस्कुटों को हमने बारीक पीस लिया है, देखिए गाइज। इन पिसे हुए बिस्कुटों को हम एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अगर आपके बिस्किट का कोई पीस पिसने से रह जाए तो उसे छान कर अलग हटा दें। देखिए गाइज, हमने सारा बिस्किट का पाउडर इस बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है। अब हम इसमें बाकी की सामग्री मिलाएंगे। हमने लिया है 2 चम्मच मिल्क पाउडर, इसे भी इसमें डाल लेंगे। 2 चम्मच शुगर पाउडर, इसे भी इसमें डाल लेंगे। थोड़े कटे हुए काजू बादाम, इन्हें भी इसमें डाल लेंगे। 1 चम्मच कोको पाउडर चॉकलेटी टेस्ट के लिए। इन सारी चीज़ों को मिक्स कर देंगे। देखिए हमारी सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अब डालेंगे हम इसमें 1 चम्मच बटर। बटर फ्रिज में रखा हुआ ठंडा नहीं होना चाहिए, बटर रूम टेम्परेचर पर रखा होना चाहिए। बटर को हाथ से अच्छे से मिक्स करेंगे। बटर तो हमारा मिक्स हो गया है, अब हम इसका डो बनाएंगे। डो बनाने के लिए हमने ठंडा दूध लिया है। दूध को हम थोड़ा थोड़ा करके डालते हुए इसका सॉफ्ट डो बना लेंगे। देखिए गाइज, हमारा डो बनकर रेडी है। हमने बिल्कुल सॉफ्ट डो लगाया है, आपको भी इसी तरह से डो लगाना है। अगर डो हार्ड होगा तो इसके पेड़े बनाते पर फटेंगे, इसलिए सॉफ्ट ही डो लगाना है। चलिए तो बनाना शुरू करते हैं पेड़े। पेड़े बनाने के लिए हमने थोड़ा मिश्रण हाथ में ले लिया है। इसको लड्डू की तरह गोल गोल करते हुए गोल शेप देना है, देखिए कुछ इस तरह से। अब हम इसे हथेली से दबा देंगे तो ये पेड़े की शेप में आ जाएगा। आप चाहें तो ऐसा ही रखें, ऐसा भी बहुत सुंदर लग रहा है। मैं इसको गार्निश करने के लिए काजू का कटा टुकड़ा लगाऊंगी। देखिए गाइस, काजू लगाने से कितना सुंदर लग रहा है। नहीं तो अपने मनपसंद कोई भी ड्राई फ्रूट लगाकर इसे गार्निश कर सकते हैं। देखिए मैंने पेड़े के नीचे बटर पेपर लगा दिया है। बटर पेपर लगाने से बिल्कुल मार्केट जैसे पेड़े लग रहे हैं। इसी तरह से हम सारे पेड़े बनाकर तैयार कर लेंगे।
देखिए गाइस, हमारे सारे चॉकलेटी पेड़े बनकर तैयार हैं। कितने अच्छे बने हैं ये देखिए, कोई बता ही नहीं सकता ये मार्केट के पेड़े हैं या घर में बनाए हुए पेड़े हैं। इस दिवाली आप भी इन पेड़ों को ट्राई करें और मुझे बताएं कैसे लगे। और लास्ट में ये पेड़ा मैं आपको तोड़कर दिखाती हूँ, देखिए कितना अच्छा है, बिल्कुल सॉफ्ट क्रीमी। अगर आपको मेरे ये पेड़ों की रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे रेसिपी को लाइक और शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।